नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये देखेंगे मॉड्यूलर किचन की डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा किचन है, वहाँ पे बॉस फेसिंग है और यहाँ पे स्टोरेज के लिए शटर है और यहाँ पे ड्रॉर रखी गई है। दोस्तों, यदि आपको फ्रेमिंग वाला जो किचन बनाना रहता है उसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, आप किस प्रकार से बनाया जाता है। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। जैसे इसका जो लंबाई है 91 है, 91 इंच है ऐसे, और ऐसे में जो हाइट है वो 32 है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लेब बनाया गया है नीचे की साइड में, कोटा का स्लेब दिया गया है। आप कैसे बनाते हो, आपके वहाँ कैसे बनता है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए आप। यहाँ पे कोटा का स्लेब है नीचे की साइड में, ऊपर पूरा सीमेंट भरा हुआ है और नीचे की साइड में यहाँ पर बेस बनाया गया है 3 इंच का। अभी जैसे कॉस्टिंग यदि बात की जाए तो जैसे ये बीच वाला शटर है, इसमें यदि बास्केट वाला लेते हैं तो सस्ता पड़ता है और टेंडम वाला लेते हैं तो महंगा पड़ता है। अब देख सकते हो जैसे बास्केट आती है 1500 रुपये से लेके 1200 रुपये, 1500-2000 तक, जो SS की ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे वहाँ पर वो स्पेसिंग का सिंक का एरिया आ गया, तो सिंक के एरिया में ज़्यादातर वहाँ शटर का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉर नहीं बना सकते हैं। नीचे की साइड में ड्रेनेज पाइप है, वो तकलीफ़ देता है। अभी जैसे यहाँ पे जो खड़े वाले वर्टिकली यहाँ पे खड़े करने रहते हैं, जैसे मैंने पूरा बॉक्सिंग वाला भी मेरा किचन का बना हुआ है, तो वो किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनाया गया वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और यहाँ पे जो बनाया गया है पूरा फ्रेमिंग वाला बनाया गया है, जैसे यहाँ पर फ्रेम है, ये जो फ्रेम लगाया गया है 3x5 का फ्रेम है, जैसे चारों तरफ लगाया गया, जहाँ शटर आता है वहाँ पे भी शटर आता है, फ्रेम लगाया गया। और यहाँ पे जो वर्टिकल लगाया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे L फिट किया गया है यहाँ पे, और नीचे की साइड में L, ऊपर की साइड में L। यदि आपको प्लाईवुड में ज़्यादा जो एरिया रहता है उसमें, यदि आपका वहाँ दीमक ज़्यादा आता है, उदय का ज़्यादा खतरा रहता है, बेस ज़्यादा बनता है, तो आप इस प्रकार का किचन है आप बनवा सकते हो घर के लिए। और ज़्यादातर यदि आप अंदर की साइड में यदि ग्रेनाइट अथवा कोई मार्बल का खड़ा वर्टिकल डालना रहता है तो उसके हिसाब से भी आप बनवा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने प्लाईवुड का डाला है 19mm का, दोनों साइड लेमिनेट पेस्टिंग देके यहाँ पे लगाया गया, और पीछे की साइड में पूरा फिनिशिंग दिया गया है। जैसे टाइल जो रहता है, जैसे काफ़ी बार कहीं पे पीछे जो पूरा ऐसे ही प्लास्टर रहता है, तो उसमें जो ज़्यादा खतरा रहता है उदय दीमक आने का ज़्यादा खतरा रहता है, उसे किचन है जल्दी ख़राब हो जाता है। और नीचे की साइड में यहाँ पर जो बेस बनाया गया है, बेस 3 इंच का रखा गया है, और नीचे की साइड में पूरा ग्रेनाइट लगाया गया है, पत्थर देख सकते हो यहाँ पे, ठेठ वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पत्थर लगाया गया है। और जो प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म का जो हाइट रखा गया है वो 32 इंच ही रखा गया है हाइट, और इसका जो डीप है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल 24 रखते हैं तो यहाँ पे डीप है इसका 20 रखा गया है। और यहाँ पे जैसे पट्टी लगाना रहता है, वो पट्टी लग जाने के बाद में अंदर जो पानी गिरता है वो नीचे की साइड में नहीं आता है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। यदि घर के लिए आपको बनाना रहता है अथवा कहीं पे भी आपको पेंट्री में बनवाना रहता है, तो आप इस प्रकार की डिज़ाइन देख सकते हो। ये सादा सिंपल और यहाँ पे किचन बनाया गया, छोटा सा किचन है। उसका मैं फाइनल का वीडियो है, फुल प्रोसीजर का वीडियो उसका जल्दी चैनल पर डाल दूँगा। सो थैंक यू गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।